हरिद्वार में ईसाई धर्मावलंबियों और अन्य धर्मों के लोगों ने विभिन्न चर्च में जाकर सुख समृद्धि की कामना की। कई जगह लोगों ने भव्य आयोजन करके क्रिसमस को यादगार बनाया। क्रिसमस के दिन सुबह से ही लोगों की भीड़ भगवान यीशु के दर्शन के लिए चर्च में उमड़ने लगी थी। लोगों ने चर्च में मोमबत्तियां जलाकर यीशु को याद किया। धर्म नगरी हरिद्वार में क्रिसमस के दिन कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को सेंटा क्लॉज और परी बनाया गया। वहीं जॉनसन जेम्स ने बताया कि किस तरह से यीशु मसीह ने जन्म लेकर समाज को एकजुट बनाने का कार्य किया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे में कई जगह बच्चों को खुश करने के लिए परिजन खुद भी सेंटा का उपहार लेकर आए। हरिद्वार में क्रिसमस का जश्न देर रात तक जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने भी व्यवस्था बनाए रखी। परमेश्वर जो थे वो ईश्वर के रूप में थे ही, लेकिन वो एक संसार में उन्होंने जन्म लिया सिर्फ इसलिए कि हमारे पापों के, समस्त संसार के पापों के लिए वो इस संसार में आए, क्योंकि संसार में पाप बहुत था। उन्होंने एक अवतार लिया, एक बच्चे के रूप में अवतार लिया, और उन्होंने उद्धार के लिए हमें प्रेरित किया कि हम अच्छे कामों में सम्मिलित रहें, ना कि बुरे कामों में। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।